सो हेलो अरुण, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ठीक है। अगर आप कोई डाउट हो अगर आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सो दिस इज सुमित शर्मा, यू आर वॉचिंग माई एजुकेशन चैनल। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो हमें आज की वीडियो में हमें एक ही डेरिवेटिव लेने वाले हैं, डी एस बाई डी थीटा। और उस पर मैं पहले दो क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। इस पूरे वीडियो में दो ही क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा ताकि इस वीडियो से मैक्सिमम बेनिफिट आप लोगों को हो सके। तो हमें पता है कि डी एस बाई डी थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डी आर बाई डी थीटा पूरे में से कॉमन ले लेंगे, इसका स्क्वायर मतलब पूरा कॉमन ले लेंगे। तो हमें बचेगा क्या, डी आर डी थीटा बाई डी आर। ये कैसे आया, ये बहुत आसान है, आप लोगों को पता भी है, ठीक है ना। तो ट्राई करिए, ट्राई कीजिएगा। देखिए पूरे में से कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, आर अपॉन डी आर बाई डी थीटा हो जाएगा, डी थीटा ऊपर चला जाएगा तो आर डी थीटा बाई डी आर का स्क्वायर और प्लस वन यहाँ बचेगा, ठीक है ना। ये चीज़ बाहर आ जाएगी क्योंकि स्क्वायर में है, तो डी आर बाई थीटा बाहर आ गए। आर डी थीटा बाई डी आर ये हमारा टेन फाई होता है, ये आप लोग अच्छे से पता है, ये देखिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो डी आर बाई थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर फाई। तो डी आर डी एस बाई डी आर कैसे, देखिए यहाँ से डी थीटा डी थीटा कैंसिल, तो ये डी आर इधर आ जाएगा, तो डी एस बाई डी आर इज इक्वल टू इतना हो गया, वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू सिक्स स्क्वायर फाइव हो गया। और सेक क्योंकि स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा रूट से, तो डी एस बाई डी आर इज इक्वल टू सेक फाइव, और डी आर बाई डी एस इज इक्वल टू डी एस सॉरी डी आर बाई डी एस इज इक्वल टू कॉस फाइव। तो ये किन के टर्म्स में है, आर थीटा आर फाइव और एस के टर्म्स में है ये इक्वेशन, ठीक है। तो एक और हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। सो एक्चुअली हमें पे किसी नहीं खेलने, सो प्रूव फॉर एनी कर्व डी एस बाई डी थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई, यहाँ पे ये क्या बोलते हैं इसको, पी है ये, आर स्क्वायर बाई पी, ठीक है ना। पी पी डेली क्वेश्चन मतलब पी है ये, रो नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो हमें पता है कि टेन फाइव इज इक्वल टू आर अपॉन डी आर बाई डी थीटा, तो डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन टेन फाइव। कैसे, अरे यहाँ से इसको डी आर इधर ले जाएंगे, डी आर बाई डी थीटा इधर, इसको इधर ले जाएंगे और टेन फाइव को इधर ले जाएंगे, ठीक। टेन फाइव में पता है वन अपॉइंट टेन फाइव कॉट फाइव होता है, तो आर कॉट फाइव हो गया, यानी डी आर बाई डी थीटा बराबर आर कॉट फाइव। तो देखते हैं डी एस बाई डी थीटा इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल थिंकिंग आपको करना है, ठीक है ना। जो चीज़ हमें पता है बस उसका एप्लीकेशन यहाँ पे किया गया, और कुछ यहाँ पे नहीं किया गया। मैं हर वीडियो में हर क्वेश्चन के साथ उसका फोकस पॉइंट बताता हूँ, जिस फोकस पॉइंट से वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, उस फोकस पॉइंट के अलावा और किसी भी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व मैंने ये नहीं कहूँगा कि नहीं हो सकता है, ठीक है ना। हो जरूर सकता है, आप लोग दिमाग लगाइए, और दूसरा कोई टाइप है, दूसरा कोई मेथड है इसको सॉल्व करने का, तो मुझे बताइएगा ज़रूर, मुझे खुशी होगी जान के, ठीक है, उससे मुझे भी नॉलेज होगी। तो आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई थीटा का स्क्वायर ये हमें पहले ही प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, ये होता ही है, ठीक है। पुराने वीडियोज़ आप देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो में बना चुका हूँ। आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई थीटा इसकी वैल्यू हमने निकाला, ये देखिए आर कॉट फाइव, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो आर बाहर आ गया, वन प्लस कॉट स्क्वायर फाइव, आर कोसेक फाइव हो गया, ठीक। कोसेक ये नीचे आ जाएगा, आर अपॉन साइन फाइव हो जाएगा, यानी कि देखिए हमने ऊपर नीचे आर आर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर ऊपर हो गया, नीचे आर साइन फाइव हो गया। तो हमें पता है पी इज इक्वल टू आर साइन फाइव होता है। पी डेल इक्वेशन फॉर पोलर कर्व, पोलर कर्व के लिए पी डेल इक्वेशन बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, पी डेल इक्वेशन पे बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, जाके पी डेल इक्वेशन पर प्ले लिस्ट खोलिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। सो पी इज इक्वल टू आर साइन फाइव, डी एस बाई डी थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई पी, इस आर साइन फाइव की जगह हमने पी रख दिया, ठीक है ना। तो ये दो डायरेक्टिव्स हमें प्रूव हो चुके हैं, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा ना, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट ही बनाया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक ईच एंड एवरी वीडियो।